विश्वानि देव सवितर् धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये जो हमने अभी मंत्र उच्चारण किया, ये मंत्र चारों वेदों में लगभग जो 20,000 ऋचाएं हैं उनमें से महर्षि दयानंद सरस्वती जो आधुनिक युग में वेदों के प्रकांड विद्वान और ऋषि परंपरा के व्यक्ति थे उनको सर्वाधिक प्रिय था। इसका अर्थ है विश्वानि देव, विश्वानि मनि संपूर्ण, देव मनि हे परमात्मा, देवाधिदेव, सविता, सारे जगत के उत्पन्न करने वाले को सविता कहते हैं। विश्वानि देव सविता, दुरितानि परास्व, जो दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उनको हमसे दूर कर, एक भी हम में दुर्गुण ना बचे। यत भद्रम, जो अशुभ है भद्र है, तन्न आसुव, तत् वह न मने हम सबको आसुव प्राप्त हो जाए, शुभ हम में प्रतिष्ठित हो जाए। आज आपको थोड़ी देर हम जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसके संदर्भ में बात कह के और फिर आगे कैसे अपने इस छोटे से जीवन में हम विराट से विराट कार्यों को करते हुए और जीवन की जो अंतिम चीज है, जीवन का जो अंतिम तत्व है, जीवन का जो अंतिम तथ्य है, सत्य है, तत्व है, हम उसको प्राप्त कर सके, उसके बारे में बात करते हैं। हर समय हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, उसमें से एक को चुनना है हमें। इसको थोड़े दूसरे शब्दों में कहूं तो हम अक्सर डबल माइंडेड होते हैं, और जीवन के हर एक पहलू को इस संदर्भ में सोचना। पढ़ाई के भी, अब जैसे एक अपनी वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का जो हम पढ़ा रहे हैं अपने आचार्य कुल में बच्चों को, ये विकल्प है। दूसरा केवल वैदिक एजुकेशन है, केवल मॉडर्न एजुकेशन है। जैसे हमने ब्रह्मचर्य से सन्यास मार्ग को अपना लिया, ये भी एक विकल्प, दो विकल्प है ना, हम गृहस्थ में भी जा सकते हैं और मेरी तरह से सन्यासी भी हुआ जा सकता है सीधा। कोई बाद में होना चाहे तो स्वामी श्रद्धानंद जी आदि उनकी तरह बाद में भी सन्यासी हो सकता है, होना तो चाहिए सबको। विकल्प दो हैं, आप लाभ के लिए भी काम कर सकते हो और पुण्य के लिए भी काम कर सकते हो। तो कुछ काम तो लाभ के लिए करने ही पड़ेंगे आपको, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। एक है व्यावहारिक सत्य, एक है पारमार्थिक सत्य। व्यावहारिक सत्य है कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को चलाने के लिए हमको अर्थार्जन करना पड़ता है। और पारमार्थिक सत्य ये है
कि हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए परमार्थ करना पड़ता है। मुझे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेकर के एक बार भी प्रश्न पैदा नहीं होता है। तो इस जीवन की यात्रा को जो अनादि और अनंत है, जब आगे बढ़ाना है तो पुण्य तो करने ही पड़ेंगे, करने ही चाहिए। लेकिन व्यक्ति लालच में, लोभ में, मुनाफे के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में केवल एक ही पक्ष को देखता है। मैंने 99% लोगों को देखा है कि खाली लोभ की बात करते हैं, खाली लाभ की बात करते हैं। लाभ और लोभ में कोई बहुत फर्क नहीं है। निन्यानवे प्रतिशत लोग क्या सोचते हैं, जो हमने अर्जित कर लिया वो लाभ का काम है, और जो हमने दे दिया वो तो घाटे का काम है। हमने लाभ वाला और लोभ वाला काम बिल्कुल नहीं किया। तो फिर बोले समझाओ जी, सब कर रही है क्या है, ये अलोभता है। ये अलोभ होना और अकाम होना हमारे यहां पर सबसे बड़ी बात मानी जाती है। छोटी छोटी बातें हैं ये आपको जीवन ना, मैंने कहा ना, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझ में आएगा, पूरा समझो इसको। जो हम अपने लिए और अपनों के लिए प्रयोग करते हैं, अब एक चिंतन को आप प्रभावी ढंग से सोचें तो फिर वो आपके भीतर उतर सकता है। आप कुछ भी करते हैं ना, तो उससे पहले ये सोच लो कि इससे आपके पुण्य घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग यहां जीवन के लिए जो नितांत आवश्यक वस्तुएं उनका तो प्रयोग करते ही हो, घर में, संस्थान में, जहां भी रहोगे। एक सिद्धांत बना लो, क्या मेरा इसके बिना भी गुजारा हो सकता है? न्यूनतम में जीना सीखो, जितना न्यूनतम माने जीवन की अपरिहार्यता है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है, उतना तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे शरीर के लिए न्यूनतम आहार चाहिए, न्यूनतम जल चाहिए, स्नान करने के लिए न्यूनतम पानी चाहिए। जितना न्यूनतम आहार चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हो तो ये घाटे का काम है, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जितने न्यूनतम में रह सकते हो, माने यदि आप पंखे से गुजारा कर सकते हो तो एसी मत चलाओ, यदि आप चार कपड़े से गुजारा कर सकते हो तो 40 या 400 मत खरीदो। सुन लो बहनों, कुछ भाई ये बहनें तो बदनाम होती हैं आजकल घरों में ना। मैंने देखा जितना बेडरूम होता है उतने ही कपाट कपड़े के लिए और जूतों के लिए होते हैं। तो मैंने देखा लेडीज और जेंट्स बराबर कपड़े रखते हैं। ये कहने की बात है कि लेडीज ज्यादा कपड़ों की शौकीन होती है। हम लोग चार कपड़ों से गुजारा हो सकता है। मैंने देखा 40-40 जोड़े जूते। भाई न्यूनतम में गुजारा करना सीखो। आदमी सोचता है ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने वस्त्र, इतने जूते चप्पल, इतने ज़्यादा मुझे ज़्यादा ऐश्वर्य मिलाए तो उसको मैं उपभोग करूं। जितना हम भोग भोगते हैं उतना हमारा पुण्य क्षीण होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जितना हम भोग भोगते हैं, जितना हम संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। अब एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं तो मैंने देखा कुछ 5-5 बाल्टी पानी की भर के उड़ेलते रहेंगे और टीवी पर जाकर के भाषण देंगे जल संरक्षण करना चाहिए। अपने आगे पीछे फालतू की घास लगा के रखते हैं लोग। मैं
सिद्धांततः पतंजलि योगपीठ में भी घास के बहुत गार्डन बने हुए हैं, मैं सिद्धांततः ये घास के गार्डनों का विरोधी हूं। क्यों? ये अनप्रोडक्टिव है, देखने में तो अच्छा लगता है, मतलब खराब चीज नहीं है। मैं उत्पादक श्रम, उत्पादक सौंदर्य, उत्पादक जीवन, प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए, प्रोडक्टिव हमारा वर्क होना चाहिए, प्रोडक्टिव हमारी ग्रीनरी होनी चाहिए, हर काम में उत्पादकता होनी चाहिए। जितनी जगहों पर इधर सर हमने अंग्रेजों से सीखा है घास लगाना, उन लोगों के यहाँ और तो कुछ होता नहीं, तो आगे पीछे घास लगा लेते हैं और सैटरडे संडे को घास काटते रहते हैं सब लोग। ये नियम है दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर घास काट रहे हैं उसको फेंक देते हैं, ना वो गाय खाती है ना उसको भैंस खाती। अपना गांव में घास काटते हैं कम, वो गाय भैंस के काम आती है, वो दूसरा वो उत्पादक श्रम। उसकी जगह तुलसी लगाओ, उसकी जगह अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाओ। कहीं चलो कटाव आदि होता है, जैसे हमने संत कुटीर में जहाँ कटाव होता है वहाँ घास लगा दी, बाकी जगह पूरी जगह खेती करते हैं और बगीचे लगा दिए। मैंने कहा भैया बाकी पतंजलि योगपीठ में घास भी लगा रखी है, उसमें कम से कम 50 आदमी घास काटने में लगे रहते हैं। ठीक है चलो, हमने कहा थोड़े लोगों को रोजगार मिल गया है, लगे रहेंगे भी कोई नहीं, राजी रहेंगे। सिद्धांततः मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। तो एक बड़ा सूत्र है, हमें जीवन में हमेशा श्रेष्ठ विकल्प को चुनना है, भद्र का चुनाव करना है, दुरित को छोड़ना है। अब ये बड़ा चिंतन है, इसके ऊपर मैं आपको 7 दिन तक जैसे कथा करते हैं ऐसे मैं इस मंत्र की कथा कर सकता हूँ, वेद कथा है? वैसे आने वाले समय में जैसे अभी राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, अलग अलग पुराणों की कथा होती है, तो ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हम तैयार कर रहे हैं, आगे उपनिषद की कथा, वेद की भी कथा होगी। मैंने लोगों को समझने में तो आएगा, अभी तो लोगों को अपने मूल परंपरा का पता ही नहीं है। और मैंने 99% तो तथाकथित विद्वान हैं, उनको बोलते हुए देखा है, इधर उधर के श्लोक, इधर उधर के कुछ बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं वेद में लिखा है, वेद का प्रमाण ही नहीं देते। कोई गीता का श्लोक बोलते हैं, कोई उपनिषद की ऋचा बोलते हैं, कोई जो है इधर उधर का, कोई चाणक्य नीति का, कोई विदुर नीति का, कोई महाभारत का, कोई जो है रामायण का, कोई नीति शास्त्रों का श्लोक बोल दिया और बोला वेद में ऐसा लिखा है। देखो ये सिद्धांत तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसे व्यवहार के स्तर पर दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छी बात बता रहे हैं। देखो जो समाज में, राष्ट्र में, विश्व में प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनको हमेशा एक श्रेष्ठ सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा संकेत किया था आपको, ढोंग, आडंबर, पाखंड, मैं 99% सकारात्मक बात करता हूं, मैं विधियात्मक बात करता हूं, लेकिन मैंने देखा लोग विधि विधि की बात करते रहो तो निषेध को समझते ही नहीं, उसको भी करते रहते हैं और विधि को भी करते रहते हैं। इसलिए वेदों में विधि और निषेध दोनों को बराबर कहा है, त्याज्य कर्म, कर्तव्य कर्म, भक्ष्य अभक्ष्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, दुरित भद्र, दोनों को कहा है, नहीं तो ध्यान नहीं जाता हमारा। अब ये बड़े शब्द हैं, एक बात समझ लो, जीवन में ये तय कर लो कि अपने को जो गुरु ने मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलना है। गुरुओं का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, वेद का मार्ग, यही एक मार्ग है, यही एक पथ है, बाकी तो कुपथ और कुपंथ हैं। हम आपको
चार पांच संदर्भ बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ईश्वर की उपासना ऐसे करो, परमात्मा का स्वरूप ये है। मैंने इस बात को लगभग न के बराबर कहा है कि ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये उसका पूर्ण स्वरूप नहीं है। ये तो सारा ही भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन ये पूर्ण रूप नहीं है उसका, ये तो आंशिक रूप है। लेकिन ऐसा आप सभी भी बैठे हुए और करीब करीब लगभग लगभग 10 साल से मुझसे जुड़े हो, 2006-07 से, फिर कुछ 7-8 से, 9 से, लगभग लगभग 8-10 सालों से तो कम से कम आप सभी भाई बहन जुड़े हो। 10 सालों में मैंने ईश्वर का विधेयात्मक रूप आपके सामने रखा, परिणामतः आप विधेयात्मक स्वरूप को तो पूरा स्वीकार करते हो, लेकिन निषेध न करने से बहुत तरह के पाखंड में भी पड़े रहते हो, जो कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है, वहां थोड़े भटकते भी रहते हो। आपको मैंने गुरु का एक समर्थ गुरु सत्ता कैसी होती है इसके संदर्भ में कई बार प्रबोधन दिया कि गुरु को श्रोत्रिय होना चाहिए। उपनिषदों में गुरु के संदर्भ में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद आयात नास्त्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की दो डेफिनेशन दी दो शब्दों में, एक वो श्रोत्रिय होना चाहिए अर्थात वेद वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए, वेद और वैदिक परंपरा ऋषि ज्ञान परंपरा को जीने वाला होना चाहिए, जानने वाला भी और उसको जीने वाला। अब इस लक्षण में तो ज्यादातर जिनको हम गुरु स्थान पर मानते हैं वो नहीं ठहर पाएंगे, ये तो कसौटी बहुत बड़ी है। आप कहेंगे फिर स्वामी जी फिर तो ठीक है ना, वो श्रद्धा तो माता पिता सबके प्रति प्रेम का भाव ये तो रखना चाहिए, लेकिन देखो गुरु की एक गरिमा, जैसे राष्ट्रपति पद की एक गरिमा है, प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल पद हैं उनकी भी एक योग्यता होती है, एक पात्रता होती है। यद्यपि पहले तो ये चरित्र के आधार पर चयन होता था, अब वोट के आधार पर चयन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी किसी भी पद की एक गरिमा होती है। तो गुरु के पद की पहली गरिमा, पहला उसका मापदंड, वो श्रोत्रिय होना चाहिए, चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्म माने वो 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीने वाला, जिसको मैं सामान्य शब्दों में आपसे कह रहा था कि वो सात्विक चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, ऋषि चेतना में जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। माने उसकी ब्रह्म बुद्धि खत्म हो गई, ब्रह्म बुद्धि रह गई उसमें, ब्रह्म भाव रह गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में अखंड निष्ठा। बस उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के मूर्त रूप है। अब गुरुओं के नाम पर आजकल गुरु शब्द की हिंदुस्तान में इतनी महिमा है, विश्व गुरु कहते थे ना भारत को, विश्व गुरु। तो आप देखो ये मैनेजमेंट गुरु, ये ज्योतिष गुरु, ये योग गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु, ये मैनेजमेंट गुरु, ये रसोई गुरु, आजकल आते हैं ना रसोई सिखाते हो, क्या बोलते हैं रेसिपी गुरु। गुरु सबको बनना है भाई, गुरु की तो बहुत बड़ी महिमा है। मैंने कितने लोगों को देखा, बाबा जी सुबह से शाम तक सुल्फा लगाते रहते हैं, और बड़े बड़े मैंने डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कहलाने वाले
वो भी वहां मत्था झुकाते रहे, तो बाबा सिद्ध हैं। मैंने कहा फिर ये सुल्फा क्यों लगा रहे हैं? बोले ये तो बस महाराज की, बाबा जी की लीला है, मस्ती है। ये क्या बात है? हम लोग ना, अब मैं अभी भी इस रास्ते का चयन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने विधि की चर्चा की तो आपत्ति नहीं होगी, जरा सी निषेध की चर्चा की तो बहुत भयंकर बखेड़ा हो जाता है। इसलिए दूसरे कितना 100% सिद्धांत पर खड़े उतर पाएंगे इसकी मुझे अपेक्षाकृत, क्योंकि एक परंपरा होती है, वो उत्तरदायित्व मेरा उतना, मतलब जैसे यहां 100% उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आप गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित हो गए हो। आपका ये जो गुरु शिष्य संबंध है ये स्थापित हो चुका है, अब इसको मैं नकार नहीं सकता। अब एक घर में बच्चा पैदा हो गया, बेटा बेटी पैदा हो गया, तो वो है हमारा, वो बुद्धिमान है, वो बलवान है, वो दुर्बल है, वो अपंग है, वो जैसा है वो अपना है ना। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, अब तुम में से कोई थोड़ा बहुत दुर्बल है, कोई बलवान है, कोई कम प्रज्ञावान है, कोई थोड़ा अल्प ज्ञान वाला है, जैसे भी हो तुम हमारे बच्चे हो, तो लेकिन तुम श्रेष्ठ बच्चे बनो, श्रेष्ठ संतानें बनो, श्रेष्ठ शिष्य बनो, अपने भीतर श्रेष्ठता का आधान करो। देह की दुर्बलता कम ज्यादा हो सकती है, भाव की शुद्धता 100% होनी चाहिए, आचरण की शुद्धता 100% होनी चाहिए। यहां से मैंने अपनी बात शुरू की। तो आज अभी तक का जो बिंदु था, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, उसमें से हमें श्रेष्ठ का वर्णन करना है। सुबह से शाम तक, सुबह जल्दी भी उठ सकते हो और देर तक भी सो सकते हो। आप में से काफी ऐसे भाई हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब हमारे गुरु जल्दी उठते हैं तो गुरु जाग गए हों और शिष्य सोते रहें, ये तो मर्यादा की हानि है, ये तो श्रेष्ठ मर्यादा नहीं है। इसलिए जिनको ये बात स्मरण रहती है वे भोर में जल्दी उठ जाते हैं, और बहुत से भाई बहन एक बार सोए और सोए रह गए। आप में से ऐसे भाई बहन भी हैं जो एक दिन भी सुबह देर से नहीं उठते, और एक दिन भी जिन्होंने 365 दिन आंधी बरसात सर्दी गर्मी लाभ हानि जय पराजय जीवन मृत्यु सब कुछ उनके घर में आया, लेकिन उन्होंने एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा। ये है अखंड निष्ठा गुरु के प्रति, योग के प्रति। ऐसे बहुत भाई हैं, उन्होंने इस व्रत को निभाया है, ऐसे निभाना चाहिए। इससे गौरव बढ़ता है, अपने भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने जीवन में दिव्यता बढ़ती है। और सब कुछ भगवान को साक्षी मान करके करते रहे। गुरु को परोक्ष रूप में हर समय अपने आंखों के सामने अनुभव करने की, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। तो गुरु तत्व को, भागवत तत्व को अपने आसपास अनुभव करना, इसी जीवन में बहुत दिव्यता बनी रहती है। तो सुबह से शाम तक उठने से लेकर योग करने कराने से लेकर के खाने पीने से लेकर के वाणी व्यवहार व्यापार से लेकर के, हर समय हमारे सामने दो विकल्प होंगे, उसमें भद्र का चयन करना है और जो अभद्र है उसको छोड़ना है, शुभ का चयन करना है अशुभ को छोड़ना है, धर्म का चयन करना है अधर्म को छोड़ना है, पुण्य का चयन करना है पाप को छोड़ना है। ये बात बहुत गहरी है। अब इसको, क्योंकि मैंने कहा विस्तार बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए सार रूप में कहा है। अगली बात,
मैंने जब योग सिखाना शुरू किया था तब प्रारंभ में मेरे पास दो आदमी आते थे, एक का टाइटल बंसल था, एक का गुप्ता, योगेश गुप्ता। योगेश जी तो अभी भी मिलते रहते हैं, वो जूनियर इंजीनियर थे उस समय, शायद अब तो सीनियर हो गए होंगे। सहारनपुर में रहते हैं, पहले हरिद्वार में थे। वह उस समय हरिद्वार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। खैर, फिर उसके बाद सीधा 200 को योग सिखाया जब सूरत में गए। उस समय योग की इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं थी। देखो ये दुनिया तो ब्रांड पे चलती है, ये एक बड़ा विज्ञान है ब्रांड भी अपने आप में। आप अगली दूसरी बात कह रहा हो, दो आदमियों से सीधा कितनों को सिखाया हमने? 200 आदमियों को। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, कोई विरासत में चीज नहीं मिली थी, योग की ब्रांडिंग नहीं थी, हमारी कोई पहचान भी नहीं थी माता पिता से या गुरु से, क्योंकि हमारे माता पिता तो किसान थे, जो है गाँव के अनपढ़ माँ बाप, उनको कौन जाने दुनिया में, तो माँ बाप की कोई पहचान नहीं थी, कोई गुरु की भी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी भाई देश राष्ट्रीय स्तर पर, कोई पीठ नहीं थी हमारी कि कोई 100, 200, 500, 1000 साल पुरानी कोई सिद्ध पीठ हो। ये अलग बात है कि मैं कहता हूँ हमारी पहचान यदि माँ बाप के कारण से होती है, माँ बाप को गौरव देता हूँ मैं, गुरु को गौरव देता हूँ, उनको मैं भगवान का ही मूर्त रूप मानता हूँ, लेकिन हमारी पहचान माँ बाप के कारण से हो यह हमारी शान नहीं, ये तो हमारे माँ बाप की शान है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में, ऐसा हमें आचरण रखना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए कि हमारे कारण से पूरी दुनिया में हमारे माता पिता की पहचान हो, उनको गौरव मिले, हमारे गुरुओं को गौरव मिले, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को गौरव मिले, और हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा आचरण ऐसा हो, हमारे कारण से भगवान को गौरव मिले।